हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत नायत इंटरप्राइजेज़ में। हमने आपके लिए लाए एक 1200 स्क्वायर फीट में डबल माले वाला रूम। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं ये इसके अंदर ख़ास बात क्या है। ये इनकी पर्सनल बोरिंग है जो कि ये घर के लिए ख़ास है, इसकी किसी चीज़ के लिए नहीं है। आगे स्पेस भी दिया गया है। टोटल 1200 से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट में बनाया हुआ घर है ये। तो हम अभी चलते हैं सबसे पहला हॉल में, तो वो हॉल में जाएंगे हम लोग। तो ये रहा हमारा सबसे पहला एंट्री में हम लोग जाते हैं। सबसे पहला ये है हॉल। ये हॉल में देख लीजिए, ये फुल टाइल्स किया हुआ है, फुल टाइल्स है पूरे घर के अंदर। ये पूरी फुल टाइल्स है और हॉल में से ही इन्होंने एक स्टेयरकेस जो है घर में जाने के लिए ये पूरा स्टेयरकेस बनाया हुआ है। ये हॉल है, ये पूरा फोर सीलिंग वगैरह सब कुछ है, वायरिंग पूरी कंसील की हुई है। टोटल पूरे घर के अंदर एक हॉल के अंदर एक छोटा सा एक रूम बनाया है जो कि यहाँ पे कोई आके यहाँ पे रह भी सकता है। इसमें भी पूरी फुल टाइल्स की हुई है, ठीक है। ये ऊपर पानी की टाँकी भी एक्स्ट्रा लगाई हुई है, 500 लीटर की पानी की टाँकी है। ये बाथरूम है और ये टॉयलेट है। तो ये रहा, ये इन्होंने सब एक्स्ट्रा फिटिंग किया हुआ है। ये देखो, ये वॉशिंग मशीन लगाने के लिए कनेक्शन भी इन्होंने करके रखा है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बीएमसी का कनेक्शन और वाटर सप्लाई जो है आपको इसमें बोरिंग का वो भी मिल जाता है। तो ये है अपना एक हॉल, अभी शुरुआत हुई है। तो अभी हम लोग चलेंगे हॉल से, सबसे पहला भी हम लोग जाएंगे अभी ऊपर की तरफ। ये जो है स्टोरेज, ये जो स्टोरेज देख रहे हो, ये स्टोरेज इन्होंने बनाया है। ये स्टोरेज के अंदर जो है ये कुछ भी रख सकते हैं सामान इसके अंदर। इसके अंदर इन्वर्टर फिट कर सकते हैं। देखो, ये पूरा स्पेस, पूरा अंदर तक के स्पेस किया हुआ है। ये पूरा घर ये पूरा ऐसे ही बना करके दे रहे हैं। तो ये पूरा घर जो है पूरा ग्रीन मार्बल से सीढ़ी वगैरह बनाए हुए हैं। ये पूरी फुल टाइल्स थी। तो ये भी हम लोग चले ऊपर, ऊपर की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा पैसेज। जैसे ही आप पैसेज में आते हो, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी से आप पैसेज की तरफ बाहर आए। तो जैसे ही आप अंदर आओगे, सबसे पहला आपको मिलेगा एक लेफ़्ट साइड पे एक बेडरूम। तो सबसे पहला ये बेडरूम जो है, ये बेडरूम देख लीजिए आपके सामने है। ये सब इन्होंने सब सेट किया हुआ है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसको एक्स्ट्रा कोड माला वगैरह दिया है, ठीक है, कोड माला वगैरह दिया है। ये बेड शीट वगैरह रखने के लिए जगह है। इधर पे आप एक कबाड़ भी बना के इन्होंने छोड़ा है, फिक्स कबाड़ है। ये भी इधर ही रहेगा, आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो हम यहाँ से आए अभी बाहर से, इधर पर भी एक्स्ट्रा कोड माला हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड माला पूरा है। फिर हम लोग जा रहे हैं अभी सेकेंड बेडरूम। जैसे हम लोग आए थे तो ये है हमारा सेकेंड बेडरूम जो ये आपके सामने है। और ये भी पूरी हाफ टाइल्स है, ये भी फोर सीलिंग किया हुआ है। ये देखिए, अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये देखो, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल बाजू में, ये ज़मीन जो है एकदम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है बाजू में ही हो रहा है। ये पूरा एरिया जो है पूरा टोटल बिल्डिंग से कवर्ड एरिया है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड बेडरूम। अभी हम लोग चले हैं अभी किचन की तरफ जा रहे हैं। तो ये है हमारा किचन, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये है किचन। तो ये किचन की तरफ चलते हैं हम। ये किचन के अंदर जो पैसेज दिया है, इसके अंदर एक बल्ब वगैरह भी लगा करके उजाला कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किचन है जो इन्होंने, किचन नीचे भी किचन है, ऊपर भी किचन है। ये किचन जो है एक किचन बनाया है। ये पूरा किचन के अंदर ये देख लीजिए, पूरा सेटअप किया हुआ है इन्होंने। ये पूरा सेटअप है किचन के अंदर का। अभी हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जो आए हैं अभी, एक ये एक रूम एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आ सके, यहाँ पे रह सके। तो ये पूरा गेस्ट के लिए बनाया गया है। ये कबर्ड्स वगैरह रखने के लिए स्पेस बहुत है, बहुत स्पेस है। ऊपर एक एक्स्ट्रा कोड माला दिया है, ये 12x16 का कोड माला है, पूरा एकदम पूरा भरा हुआ है। कोड माले के अंदर आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्टोरेज रख सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ,
ये पूरा हाफ टाइल्स वगैरह मार के अभी हम मैं आपको लेके जा रहा हूँ गैलरी में, जो कि गैलरी है ये बाजू में देखो, ये गैलरी है, ये गैलरी दिया है, ये टोटल 1200 स्क्वायर फीट में घर बनाया हुआ मैंने जैसे बताया था, बाजू में बिल्डिंग वगैरह है, ये देखो वो पीछे की बिल्डिंग बताया, ये सामने बिल्डिंग बताया, ये देखिए बाजू में मस्जिद भी है, ये देखो ये पूरी मस्जिद है बाजू के अंदर, अब बाजू में मस्जिद है और ये पूरा एरिया थोड़ा पूरा टोटल भरा हुआ एरिया है, बाजू में बंगले वगैरह बने हुए, ठीक है। तो ये टोटल एरिया है देख लीजिए, अभी हम लोग चलते हैं अभी नीचे की तरफ। तो ये नीचे जाने के लिए इन्होंने स्पेशल अपने हाथ से हैंडमेडेड जो है ये खुद अपने हाथ से किए, रास्ता जाने के लिए सबसे अच्छा है। तो ये देखिए ये हम लोग आ गए अभी एक रूम के अंदर, ये रूम जो है एक छोटा सा एक सेपरेट रूम और है, मतलब मेहमान आपके कितने भी आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखिए एक टॉयलेट बाथरूम एक्स्ट्रा यहाँ पे भी दिया गया है, और सबसे बेहतरीन बात यहाँ पे भी टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। और पीछे से जाने के लिए मैंने जैसे दिखाया था पीछे भी एक रास्ता है, अगर पीछे जाने का है तो पीछे भी जाने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं ये एक रूम की तरफ, ये देखिए ये पूरा रूम है एक्चुअली, ये भी इसके ऊपर पूरा कोड माला किया हुआ है, तो ये रहा अपना पूरा रूम, ये पूरी टाइल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये मैंने आपको ऊपर बोरिंग का पैनल नहीं दिखाया, तो दिखा देते भी, तो मैं आपको एक बोरिंग का पैनल नहीं दिखाया, तो बोरिंग का पैनल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि बोरिंग का पैनल आपको दिखाना है, तो इन्होंने देखो यहाँ पे स्टेबलाइजर वगैरह 3-phase लाइन है, अगर कोई भी एक लाइन जाती है तो इस पे से लाइट जो दिख रही है ये भी, ये लाइन अभी चालू है, ठीक है। अगर ये एक लाइन गई तो दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, 3 लाइन इन्होंने टोटल कनेक्ट किया हुआ है, स्टेबलाइजर भी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे बोरिंग का पैनल है, ये बोरिंग पर्सनल सेपरेट बोरिंग है, ये देखिए चालू भी है, अगर ये चालू करे तो ये चालू भी है, पानी भी आता है, ये देखो पानी की आवाज़ भी आना चालू हो गई। तो और पानी का बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप कभी भी कितना भी पानी आप भर सकते हो, 400 घर डेली पानी पी सकते हो, सुना आपने 400 घर। तो ये था हमारा एक, ये देखिए पूरा टोटल एंगल में काम किया हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से, समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा इसके अंदर माइनर काम करना पड़ेगा आपको, बाकी पूरा काम हो चुका है, इतना बेहतरीन काम किया कि आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको सारा कुछ बताया इसके लिए। तो अभी जैसे कि पूरा हमने रूम देख लिया, बोरिंग का पैनल रह गया था, तो वापस हम लोग आए, ये अभी हम लोग आ गए फिर से बाहर, बाहर की तरफ आ गए हम। तो ये देखिए ये बाजू में मस्जिद के लिए रास्ता है, सामने जाने के लिए रास्ता है, एक गली दी हुई है, सामने बिल्डिंग का काम चालू है, और ये पूरा पैसेज है आपके सामने दिख रहा है, इतना स्पेस इन्होंने दिया है, ये 2 घर है टोटल। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और परचेस करना रहे तो हमारे को कॉल कीजिए, और इसकी प्राइस की डिटेल जो रहेगी आपको, पूरी प्राइस की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।